केवी टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। केवी टेक्निक्स लाया आपके लिए लेटेस्ट व महत्वपूर्ण जानकारी। इस प्रकार की जानकारी अगर सीधे प्राप्त करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल है उस पर क्लिक कीजिए। साथियों, बिना समय गवाए जानकारी स्टार्ट करते हैं। साथियों, प्राथमिक के सहायक शिक्षक व सहायक अध्यापक भी कर सकेंगे एमएड। सरकारी शिक्षकों के आदेश जारी, संघ लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। दोस्तों, पूरी खबर के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो आदेश दिखाया जा रहा है, मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, भोपाल दिनांक 6/9/2019। देख लेते हैं क्या है आदेश में। क्रमांक F41-10192022 विभागीय समसंख्या का आदेश दिनांक 20/6/2019 में राज्य शासन आयोग द्वारा शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में एमएड प्रवेश हेतु जारी निर्देश में पात्रता संबंधी प्रावधानों को शिथिल करते हुए अध्यापक शिक्षक संवर्ग के सभी लोक सेवकों को सहायक अध्यापक, अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता को एमएड में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करता है। यह आदेश निकाला है प्रमोद सिंह, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग और भोपाल दिनांक 6/9/2019 का आदेश है। ये आपके सामने उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग का आदेश दिखाया गया, जिसमें अब प्राथमिक के सहायक शिक्षक और सहायक अध्यापक भी एमएड कर सकेंगे। अब शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक और सहायक शिक्षक भी सरकारी कॉलेज से एमएड कर सकेंगे, जबकि अभी व्याख्याता शिक्षक और अध्यापक वर्ग दो या वरिष्ठ अध्यापक ही एमएड कर सकते थे। इसके अलावा यदि किसी को एमएड करना होता था तो उसे स्वयं के खर्चे से करना होता था। एक साल के इस कोर्स के एवज में 50,000 रुपये खर्च होते थे। अब प्राथमिक शिक्षक और सहायक शिक्षकों को फायदा होगा और सरकारी कॉलेज से एमएड करने से रुपए बचेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने इसके आदेश भी जारी कर दिए, जो आपको पहले आदेश दिखाया जा चुका है। इस आदेश से जिले में 1,300 शिक्षकों का फायदा होगा और सरकारी कॉलेज से एमएड होने से फ्री में भी हो जाएगा। वहीं इसका एक और फायदा यह भी होगा कि वे एमएड करेंगे तो उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलने लगेगा। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।